अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली फ्लेक्स। आप घर पे ही बना सकते हैं चिली फ्लेक्स। देखिए ये बिल्कुल जैसी लग रही है ना, मार्केट जैसी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। आप देख रहे हैं और इसको मैंने धूप में रख दिया है तो बहुत, और हमें बीज से तोड़ के इसके बीज भी निकाल देना है। ये हम इधर रख देंगे और हमारे ये इसके हम बीज निकाल के और जो ऊपर का कवर अलग रहेगा वो हम अलग रख देंगे। सब सारे के सारे हम इसी तरीके से कर दे रहे हैं। हमें बीज इसके अलग रख दिए हैं और हमने जो मिर्चें हैं वो अलग कर ली हैं, इसका जो ऊपर का खोल है। और अब हमने क्या करना है, अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ हमने मिर्चें जो ली हैं वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कलर तो अच्छा हो पर तीखी ना हो। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे और आप इस तरीके से अगर मसाले वाले से पूछेंगे कि हमें फीकी वाली मिर्चें दे तो वो एग्जैक्टली आपको फीकी मिर्चें देगा और कलर सेम ही होता है, कलर बस डार्क कलर होगा और मिर्च का इसका तेज़ी जो है वो नहीं होगी। तो हमने इसमें अपनी ये डाल देनी है मिर्चें की मदद से, इस तरीके से क्रश करेंगे। देखिए ये तैयार हो चुकी है पर इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ी है चिली फ्लेक्स, और तो इन्हें मैं क्या करूँगी, इन्हें मैं एक जो किचन नाइफ़ होती है, आप किचन नाइफ की मदद से इसको कट कर लेंगे इस तरीके से, संभाल के करिएगा। और रफली ऐसे करके कट कर लेंगे, जो बड़ी हैं कुछ ज़्यादा तादाद में जो बड़ी हैं वो हमारी कट होकर हमें बहुत परफेक्ट चिली फ्लेक्स देंगी। तो मैं इसे फटाफट से कट कर ले रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। देखिए तकरीबन ये हो चुकी है और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ क्या करना है। सॉरी दूसरा तरीका नहीं, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाकर बताती हूँ। तो आपने चिली फ्लेक्स इस तरीके से कूट के रख ली हैं, आपने बीज अलग करके रख रखे थे। अब आपने क्या करना है, इन बीजों को और इन चिली फ्लेक्स को एक में कर देना है। ठीक है, और अब हमने ये इस तरीके से मिक्स कर देना है। तो ये हमारी चिली फ्लेक्स तैयार हो चुकी हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ फैलाइए। Thank you for watching guys. Allah Hafiz.